शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैनेजर से पार्टनर बन सकते हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले इन्हें देख जरूर लीजिएगा। आप चाहते क्या है मुरलीधर जी? सर, इस रामनाथ ने क्लाइंट के सामने मुझसे बदतमीजी की। हिंदुस्तान के हजारों लाखों मिलों की तरह ये भी एक बीमार मिल है। इन वीरान दीवारों के ढांचे के अंदर कभी मशीनों के दिल धड़कते थे, मगर आज वो बंद है और ये मिल बीमार है। बीमारी की वजह है इसके मालिकों के लालच और हवस से भरे बीमार दिल, जो पैसे पैसे और पैसे के सिवा कुछ नहीं जानते। मगर वो एक बात जान लें कि एक दिन इन गरीब मजदूरों के पेट की आग उन्हें जलाकर खाक कर देगी। इनकलाब झूठे नारों से नहीं, खाली पेट से आते हैं। पड़ा फलक को अभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक ना कर दूं तो दाग नाम नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब ये बिल आपका है। थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूं। आई टेक यू लीव। मिस्टर दिनेश राय? यस। मेरा नाम रवि है, रवि वर्मा। नाइस मीटिंग यू। मैं इस मिल के वर्कर्स का लॉयर हूँ। आपने इस मिल को खरीदा, ये जानकर उन मजदूरों को बहुत खुशी हुई। आपके इस मिल चलाने से उन बेकार मजदूरों को दोबारा काम मिल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने ये मिल चलाने के लिए नहीं बल्कि किराने के लिए खरीदा है, जहां पर मैं एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बनवा रहा हूँ। मगर दिनेश राय जी, उन 5,000 मजदूरों का क्या होगा? मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। इस मिल को गिराने का इख्तियार है मुझे, उसकी परमिशन है मेरे पास। ये रही उनकी फोटोस्टैट कॉपीज, कोई भी एक्शन लेने से पहले इन्हें देख जरूर लीजिएगा। मैंने सारे कागजात अच्छी तरह देख लिए, पर मुझे अफसोस है कि इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मिस्टर दिनेश राय इस मिल को गिरा सकते हैं, इसका उनको कानूनी तौर पर पूरा इख्तियार है। तो अब हम क्या करें? मैं तो आपको बस यही राय दे सकता हूँ कि आप लोग कोई और काम ढूंढ लें। अरे बेटा, हमने तो और कोई काम किया ही नहीं, कोई दूसरा काम हमें आता भी नहीं, और अब हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में कोई दूसरा काम ढूंढने, कोई दूसरा काम सीखने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कानूनी तौर पर मैं मजबूर। कानूनी तौर पर मजबूर हो तो इंसानियत का वास्ता दे सकते हैं, वो भी तो इंसान है। इंसान नहीं है, बिजनेसमैन है। सिर्फ दो ही बातें जानते हैं, फायदा और नुकसान। मैं चलता हूँ। अच्छा, देर हो रही। अरे आपने तो कुछ खाया नहीं, सब ऐसे ही पड़ा है। रवि की माँ, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी शर्म आ रही है, मगर क्या करूँ? क्या बात है? ये खाना मैं घर ले जा सकता हूँ? मेरे बच्चे ही 2 दिन से भूखे हैं और मैं यहाँ बैठ के खाऊं, अच्छा नहीं लगता है। मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खा सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो आप ही का घर है, इसमें शर्म किस बात की? आप बैठे बैठे ना, मैं और भी कुछ बांध देती हूँ। यस सर। कल दफ्तर खुलने से पहले ही एयर कंडीशनर ठीक करवाना, समझे? यस सर। I hope there are no more appointments. मैं काफी थक गया हूँ, घर जाना चाहता हूँ। सर,
एक लेडी बैठी है सुबह से, आपसे मिलना चाहती हैं। अगर कोई डोनेशन या पैसा चाहिए तो उसे दे दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं सर, पैसे या डोनेशन नहीं, सिर्फ आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो और कह दो कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओके सर, जाइए, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। सुनिए, साहब के पास ज्यादा वक्त नहीं है। जानती हूँ, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनके पास वक्त बहुत कम होता है। नमस्ते। नमस्ते। मैं लायन मिल्स के वर्कर्स और उनके घर वालों की तरफ से आई हूँ। आप एक मिल ओनर हैं और आपने कई मिल चलाए हैं। जी हाँ। जब आपने मिल खरीदा तो भूखे और बेरोजगार मजदूरों की जिंदगी में एक उम्मीद पैदा हो गई, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैं उन सब की तरफ से आपसे दरखास्त करने आई हूँ, आप इस मिल को गिराइए मत, तोड़िए मत, इसे चलाइए। देखिए मैडम, मुझे उन मजदूरों से पूरी हमदर्दी है, मगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हर काम वो करता हूँ जिसमें मुझे ज्यादा फायदा हो। मगर वो 5,000 मजदूर जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस मिल में गुजार दी, जिन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता, उनका क्या होगा? अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप वो मिल दोबारा चला सकते हैं और उनके बुझे हुए चूल्हे दोबारा जला सकते हैं। आप शायद ये नहीं जानती कि वो एक सिख मिल थी, बीमार मिल थी। अगर अपना कोई बीमार हो जाए तो उसे ऐसे तो नहीं छोड़ देते, उसका इलाज करते हैं, उसे ठीक करते हैं। I don't have the time now, अब आप जा सकती हैं। जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले आपकी माँ बहुत बीमार थी, उन्हें खून की सख्त जरूरत थी। इस मिल के मजदूरों और उनके घर वालों ने उनकी इलाज के लिए खून दिया था। ये रही उनकी रसीदें, इसे आप उनकी हमदर्दी या इंसानियत मत समझिएगा, वो उनकी मजबूरी थी, वो खून उन्होंने बेचा था। और अगर थोड़े दिन इसी तरह बेकार रहे तो शायद एक दिन उन्हें अपनी लाश भी बेचनी पड़ेंगी। जरूरत हो और अगर फायदा हो तो खरीद लीजिएगा। कर रही है? बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए, मुझे फिक्र हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं है, रोज की तरह तुम्हारे छुटके ने कोई शरारत की होगी और फिर मास्टर जी ने उसे मुर्गा बनाकर खड़ा रखा होगा। अच्छा अच्छा, ये चाबी लीजिए, मैं चलती हूँ। रवि की माँ, नमस्ते। नमस्ते। अरे अरे मुन्ना, ठोक ना। तुम इस बदमाश को अपने लार से बिगाड़ोगे। क्या इसकी उम्र है सीट पे बैठने की? आज इसके टीचर ने इसे एक घंटा मुर्गा बनाकर खड़ा किया, थक गया है।
आप हाथ में धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। तो मैं आज तूने स्कूल में क्या शरारत की? बाबा मैं बताता हूँ, आज स्कूल में इसने एक लड़के को पत्थर मार दिया। नहीं बाबा मैं बताता हूँ, चार बड़े लड़के मेरे साथ दादागिरी करते थे मालूम? अच्छा? बाबा ये झूठ बोलते, एक ही लड़का था और वो भी इससे छोटा था। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। क्या कह रहे, छोड़ इसे, छोड़। अरे ये पिस्तौल तो भरे हुए हैं। अरे भाई ड्यूटी से आ रहा हूँ, भरी नहीं तो क्या खाली होगी? आप अपना टेंडर भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी टेंडर पास कराना मेरे हाथ में है, मगर मेरे 10% उसमें जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है साहब। सर यहाँ सिगरेट पीना मना है सर। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, जानते हैं तो बुझा दीजिए। देखो मुझसे बदतमीजी से बात मत करो, जाओ अपना काम करो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, इस एरिया में सिगरेट पीना मना है इसलिए आप इसे बुझा दीजिए। अगर मैंने नहीं बुझाई तो तुम क्या करोगे? तो फिर मैं बुझा दूंगा। आप चाहते क्या है मुरलीधर जी? सर इस रामनाथ ने क्लाइंट के सामने मुझसे बदतमीजी की, और ऐसे बदतमीज आदमी की हमारी मिल में कोई जगह नहीं है। तुम क्या कहते हो रामनाथ? सर मुरली साहब से मेरी कोई जाती दुश्मनी या लड़ाई तो है नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। आप चाहते हैं तो निकाल दीजिए, आप मालिक हैं। अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। मुरलीधर जी हर उस मजदूर हर उस मुलाजिम की हमें कदर करना चाहिए जिसे अपनी ड्यूटी का एहसास अपने हक से ज्यादा। मैं ये चाहूंगा कि इस महीने से आप रामनाथ की 100 रुपया तनख्वाह बढ़ा दें। अरे किधर गए वो मेरे दो बदमाश और किधर गई मेरी बीवी? अरे आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे दुर्गा आज जेडी साहब मुझसे बहुत खुश हो गए हैं, उन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारी पसंद का रंग और तुम्हारी पसंद की चूड़ियाँ। बहुत सुंदर, पर आपने हमारा ये खर्चा क्यों किया? इसलिए कि मुझे तुम्हारी ये खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। बाबा बाबा हमारे लिए क्या लाए? अरे अभी ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? हैं? तेरे लिए लाया हूँ ये फाउंटेन पेन, और इस बदमाश बैंड मास्टर के लिए लाया हूँ ये बाजा। एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल हमारे मिल का प्रॉफिट 25 लाख हुआ है। ये तो हुई हमारे और आपके फायदे की बात, अब मैं आपसे कुछ वर्कर्स के फायदे की बात करना चाहता हूँ। हमने इस साल अपने वर्कर्स के लिए सस्ते और अच्छे खाने का एक कैंटीन खोला है, उनकी दवा और इलाज के लिए एक डिस्पेंसरी, और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री किताबों का इंतजाम किया है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है, बैलेंस शीट और रिपोर्ट सब आपके सामने है, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे कुछ कहना है, हम इस धंधे में प्रॉफिट और फायदे के लिए हैं, और ये सब तो आप जानते हैं कि हमारे माल की मार्केट में बड़ी डिमांड है। अगर इस माल का कुछ हिस्सा बगैर रसीद के यानी अनऑफिशियली बेचा जाए तो हमारा फायदा भी ज्यादा होगा और हमारे हिस्सों में कुछ कैश आ सकेगा। इसके आगे और दो फायदे हैं, एक तो हम टैक्स से बचेंगे, और दूसरा प्रॉफिट ज्यादा न दिखाने की वजह से हमें बोनस भी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये रिपोर्ट में मेंशन किया है कि
5 या 6 लाख से ज्यादा रुपए वर्कर्स को मुआवजे की शक्ल में यानी कॉम्पेंसेशन दिया गया। ये पैसा बचाया भी जा सकता था। मुआवजा मजदूरों का हक था और ये उनकी खुशकिस्मती है कि इस मिल का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूं, आप नहीं। और वो इसलिए कि मेरे पास 10% शेयर है और आपके पास 8%। मुझे ऐसा लगता है कि जेडी साहब को पैसे कमाने का ज्यादा शौक नहीं है। पैसा कमाने का शौक है मुझे मिस्टर नारंग, पैसा चुराने का नहीं। जेडी साहब ने आज जो कुछ किया मुरलीधर जी आपके साथ, ठीक नहीं किया। रामनाथ एक मामूली सा नौकर है, उसे इज्जत करनी चाहिए आपकी। अगर इस तरह वो लोगों को एनकरेज करते रहे तो फिर मिल में डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा। खैर क्या कर सकते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसलिए कि उनके पास 10% शेयर्स हैं और मेरे पास सिर्फ 8%। अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है तो आपके पास भी शायद 3% शेयर्स हैं। अगर मेरा हिसाब गलत नहीं है तो 8 और 3 मिलकर 11 होते हैं। और मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत है कि 11 10 से ज्यादा होते हैं। आप मैनेजर से पार्टनर बन सकते हैं। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। प्लीज। मैं इस मौके पर हमारे पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जेडी से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी कुछ कहें, जो कि हमेशा का दस्तूर भी है। मिस्टर जेडी, दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेईमानी के रास्ते में बड़े फायदे हैं मगर अंजाम नुकसान और सिर्फ नुकसान। ईमानदारी के रास्ते में कभी रुकावट कभी नुकसान लेकिन अंजाम फायदा ही फायदा। आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दैट। मुरलीधर जी, बात बहुत घटिया है लेकिन न जाने आज क्यों कहने को दिल चाह रहा है। ये 3% शेयर आपने खरीदे नहीं थे, मैंने आपको प्रेजेंट दिए थे, याद है ना आपको? इस बात पर एक अच्छा शेर याद आया, सुनिए। मैंने पूछा पहला पत्थर मुझ पर कौन उठाएगा, मैंने पूछा पहला पत्थर मुझ पर कौन उठाएगा, आई एक आवाज की जो तेरा मोहसिन कहलाएगा। आप बैठिए सर, मैं फोन करके गाड़ी मंगवा देता हूं। नहीं रामनाथ, आज मैं पैदल चलना चाहता हूं। जमीन पर पांव रहे ये अच्छी बात है, ये आदत नहीं छोड़नी चाहिए। सर आप चाय लेंगे? बचपन याद आ गया, बचपन में इसी तरह चाय पीते थे। हम सबको आपके यहां से जाने का बहुत दुख है। ये आना जाना तो मेरे जैसे लोगों का चलता ही रहेगा।
ये मिल उन लोगों का नहीं रह सकता जो इससे अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। ये मिल तो उनका रहेगा जो इससे अपना पेट भरना चाहते हैं। और जब तक इसके डायरेक्टर्स ये बात नहीं जानते, ये मिल हाथ बदलता रहेगा। जानते हो रामनाथ, दिवाली पर लोग जुआ क्यों खेलते हैं? नहीं सर। ये एक पुराना रिवाज है। अपनी सारी दौलत, अपनी सारी लक्ष्मी एक जगह रखकर उसकी पूजा करते थे, और कई मर्तबा इतनी सारी दौलत देखकर एक अजीब सा अहंकार पैदा हो जाता था, तो कुछ कौड़ियां रखकर जुआ खेल लेते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लक्ष्मी कितनी जल्दी हाथ बदलती। अच्छा रामनाथ, मैं चलता हूँ। यस सर। तुम अपना ख्याल रखना। यस सर। रामनाथ, तुम एक बदतमीज आदमी हो। बड़ों के सामने कैसे पेश आना चाहिए इसकी तुम्हें कोई तमीज नहीं है, इसलिए हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। कल से मिल में एंटर होने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ गेट आउट। ठीक है, मुझे इस बात पर कोई ताज्जुब, कोई हैरत नहीं। तुम अपने मालिक को निकाल सकते हो, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। मैंने सुना था कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, मगर लगता है कि तुम किसी घटिया और खराब नस्ल के कुत्ते हो। गेट आउट। क्या बात है? कुछ नहीं। 10 बरस से मैं आपकी पत्नी हूं। सुख दुख बराबरी से बांटने की प्रतिज्ञा की है हमने। खुशी तो शायद छुपा ले आप मुझसे, लेकिन दुख तो कभी छुपा नहीं पाएंगे मुझसे आप। कहिए क्या बात है? बताता हूं दुर्गा, तुम्हें याद है जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन मैं तुम्हें यहां लाया था और तुमने मुझसे पूछा था कहाँ है आपकी माँ? आपने तो कहा था चलो तुम्हें अपनी माँ से मिला दूँ। यही तो है मेरी माँ। ये मिल जो तुम देख रही हो, इसी मिल ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, मेरी परवरिश की। और क्या करती है माँ, यही सब तो करती है ना। और आज इस मिल के नए मालिकों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो घर। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। बहुत मुरलीधर जी, बहुत होशियारी के साथ, बहुत एहतियात से माल निकालिएगा। आप तो जानते हैं कि कानून की नजरों में बड़ा जुर्म है, हुँ? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका टाइम तो जेल में आसानी से कट जाएगा, मुझे बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए कि जेल में नाश्ते के साथ एक गिलास ऑरेंज जूस, दोपहर के खाने के साथ 2 लार्ज जीन और रात के खाने के साथ 3-4 व्हिस्की नहीं मिलती। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया था ना? मिल का सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। अपनी नौकरी के बचे हुए कुछ घंटों की ड्यूटी बजा रहा हूं। मुरलीधर जी,
तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। तुमने मुझसे कहा था कल से इस मिल में एंटर मत होना। आज मैं ड्यूटी पर हूं। हेलो पुलिस स्टेशन। द्वारका भैया, रवि के बापू रात को घर नहीं आए। उनकी तो सुबह की ड्यूटी थी। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। आप जरा पता कीजिए ना, क्या बात है? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, क्या हुआ, क्या बात है? ये लोग सर, ये सिक्योरिटी ऑफिसर रामनाथ के बच्चे और उनकी पत्नी। क्या चाहते, क्यों खड़े यहाँ पे? मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आई हूँ। जब तक मेरे पति के एक्सीडेंट का मुआवजा नहीं मिल जाता। मुआवजा? किस बात का मुआवजा? मुआवजा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका एक्सीडेंट ड्यूटी पर होता है, और रामनाथ उस रात ड्यूटी पर भी नहीं था। हम तो ये भी नहीं जानते कि उसकी नीयत, उसका इरादा क्या था। हो सकता है किसी चोरी के इरादे से भी आया हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस रात वो मिल में किसी काम के लिए ही रुके थे। गाड़ी चलाओ। सुनिए, मैं मेरे बाप को सुनिए, उनके बगैर हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए। सुनिए, एक मिनट गाड़ी रोको। जवान और खूबसूरत औरत
कभी बेसहारा नहीं हो सकते। तुम्हें तो बहुत सहारे मिल जाएंगे। शायद हम भी तुम्हें सहारा दे सकते हैं। अब ये घर हमारा नहीं है बेटे, मुन्ना हम यहाँ नहीं रह सकते बेटे, चल मेरे बेटे, चल मुन्ना, मुन्ना चल मुन्ना, मुन्ना चल मेरे बच्चे, चल